हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। और आज हम लोग जानने वाले हैं एक्सकेवेशन हजार्ड्स। एक्सकेवेशन मतलब क्या? जब भी आप वर्क प्लेस पे या कहीं भी आप गड्ढा खोदते हो तो उसको हम लोग इंग्लिश में एक्सकेवेशन बोलते हैं। तो इसके जो रिलेटिव कौन कौन से हजार्ड्स होते हैं, इस वीडियो में उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला जो हजार्ड्स होता है वो होता है कोलैप्स, यानी कि अगर आप गड्ढा खोद रहे हो और उसके अंदर आप काम कर रहे हो तो ये चांस है कि जो साइड वॉल्स है वो कोलैप्स हो जाए, यानी कि आपके ऊपर वो गिर जाए। इससे बहुत सारी घटनाएं होती है, आप देखोगे तो एक्सकेवेशन में सबसे जो मोस्ट जो घटनाएं हैं वो कोलैप्स के कारण, साइड जो वॉल है उसका कोलैप्स होने के कारण बहुत सारी घटनाएं होती है। और सेकेंड जो है स्ट्राइकिंग ब्यूरिड सर्विसेज, यानी कि अगर आप गड्ढा वहाँ पर खोद रहे हो तो हो सकता है कि उसके नीचे बहुत सारा मतलब कि हो सकता है कि उसके नीचे इलेक्ट्रिक वायर हो या कुछ वाटर लाइन हो, इस तरह का ब्यूरिड सर्विस उसके अंदर हो सकता है। तो अगर आप गड्ढा खोद रहे हो, एक्सकेवेशन कर रहे हो सकता है कि आप उस लाइव पार्ट से एक्सपोज हो जाओ, आपको इलेक्ट्रिक्यूशन होने का चांस है। और आप हो सकता है किसी पाइप लाइन को आप टच करो, अगर वो किसी तरह का उसको नुकसान पहुंचता है तो जो पूरा उसका वाटर है वो तुरंत फिलअप हो जाता है, यानी कि आपको वहाँ पे डूबने का भी चांस रहता है। और थर्ड जो है पीपुल फॉलिंग, हो सकता है कि जो आसपास में पीपुल काम कर रहे हों उसके गड्ढे में गिर जाए, उस एक्सकेवेशन में गिर जाए, तो उससे उनको चोट लगेगा, जान भी जा सकती है। और ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग, और अगर कोई पीपुल उसके अंदर काम कर रहा है और साइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट उसके सिर पर गिर सकता है, तो ये सभी चांस रहता है। और साथ में फ्लडिंग का भी चांस रहता है, यानी कुछ सरफेस वाटर वगैरह है तो वो बाहर से उसके अंदर चला जाता है तो वहाँ पे डूबने का भी चांस। तो रप्चर वाटर मेन लाइन, साइड में कोई मेन लाइन है या हेवी रेन हो गया या ग्राउंड वाटर हो सकता है सीपेज हो जाए, तो इससे जो है ये फ्लडिंग का भी चांस रहता है। तो ये सभी क्या है, हजार्ड्स हैं। और हजार्डस सबस्टांस, यानी कि पहले से हो सकता है कि वो जहाँ पे आप गड्ढा खोद रहे हो, एक्सकेवेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे हो सकता है पहले से कुछ मटेरियल्स जो है हजार्डस मटेरियल्स वहाँ पे दबाया गया हो, या गड्ढा खोदने से होते हो सकता है कि उस ग्राउंड से बहुत सारे गैस लीकेज होते हैं, तो वहाँ से अगर कुछ तरह का अगर टॉक्सिक गैस फ्यूम्स वगैरह बाहर आते हैं तो एस्फिक्सिएशन होने का चांस है, दम घुटने का आपका चांस हो सकता है वहाँ पे। या कोई अगर टॉक्सिक गैस बाहर आ रहा है तो हो सकता है आपको नुकसान उसे पहुँचे, तो ये हजार्डस सबस्टांस जो है उसको भी केयर करने का हो सकता है, ये हजार्ड है वहाँ पे। और कोलैप्स ऑफ एडजेसेंट स्ट्रक्चर, जहाँ पे आप गड्ढा खोद रहे हो, एक्सकेवेशन कर रहे हो तो साइड में अगर कोई स्ट्रक्चर है, कोई बिल्डिंग है, हो सकता है वो कोलैप्स हो जाए क्योंकि आप नीचे का मिट्टी निकाल रहे हो वहाँ से। तो ये सभी जो है मैंने हजार्ड्स के बारे में बताया। तो आप उसको कंट्रोल कैसे करोगे? तो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो आप बैटरिंग कर दो। बैटरिंग का मतलब क्या होता है कि जो साइड वॉल है उसको एक जो है वो स्लोप दे दो, तो उससे क्या होता है वो जो साइड का जो मिट्टी है वो स्लिप होने का चांस नहीं रहेगा, यानी कोलैप्स होने का चांस नहीं रहेगा, तो जिससे कि आप वहाँ बच सकते हो। और सोरिंग, यानी कि साइड जो वॉल है उस पर आप कुछ सपोर्ट दे सकते हो, मैकेनिकल सपोर्ट दे सकते हो, यानी कि आप प्लांक्स वगैरह यूज कर सकते हो, तो जिससे अगर उसको सपोर्ट मिल जाए तो साइड का जो वॉल है, साइड की जो मिट्टी है वो कोलैप्स नहीं होगा। तो ये एक ऑप्शन है कंट्रोल करने का। और जो थर्ड ऑप्शन है वो है ट्रेंच बॉक्स वगैरह यूज कर सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसा बॉक्स जो कि एक्सकेवेशन में फिट हो जाए, यानी कि साइड वॉल जो है कोलैप्स नहीं होगा। तो इस तरह यूज़ करके आप जो है जो कोलैप्स है, साइड वॉल जो कोलैप्स है उससे आप बच सकते हैं। और फॉल को आप कैसे प्रिवेंट करोगे? तो आप वहाँ पे बैरियर लगा दो, कोई हार्ड बैरिकेशन दे दो जिससे कि कोई पीपल उसके अंदर ना जाए, गिर पाए, कोई गाड़ी उसके अंदर ना गिर पाए, कोई व्हीकल्स उसके अंदर गिर ना पाए, तो इसके लिए बैरियर दे दो। वहाँ पे लाइट, गुड लाइट दे सकते हो, और वहाँ पे जो है आप साइन बोर्ड वगैरह यूज कर सकते हो। और जब भी आप उस एक्सकेवेशन में काम करें तो वहाँ पे कम से कम मिनिमम उसके अंदर दो लेडर्स होने चाहिए, और जो वो लेडर्स है वो कम से कम 1 मीटर एक्सटेंड हो, यानी कम मिनिमम 3 रैक्स जो है उसका, 3 जो स्टेप है वो बाहर होना चाहिए, जिससे कि किसी इमरजेंसी के टाइम में वर्कर जो है तुरंत बाहर उससे निकल सके। तो
तो इस तरह से जो है आप कंट्रोल कर सकते हो। व्हीकल्स वगैरह जो गिरने के लिए आप क्या कर सकते हो वहाँ पे कि साइड में जो है आप ब्लॉक वगैरह यूज़ कर सकते हो जिससे कोई भी व्हीकल्स उसके अंदर ना गिरे। तो ये सभी जो है तरीके हैं और कंट्रोल करने का। और अगर उसके अंदर ब्यूरिड सर्विसेज कुछ हैं इलेक्ट्रिक वगैरह या पाइपलाइंस वगैरह हैं तो जब भी आप वहाँ पे इजर्वेशन करें तो एक पहले प्लानिंग करें कि क्या वहाँ पे कुछ अंदर में कुछ ब्यूरिड सर्विस तो नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर या इस तरह का कुछ सर्विस तो नहीं है वहाँ पे। अगर है तो पहले उसको आप आइडेंटिफाई करें, मार्क करें और उसके बाद हैंड मतलब कि हैंड ऑपरेटेड जो मशीन है या टूल्स है उससे आप डिगिंग करें। बाद में मैकेनिकल जो पावर्ड है उससे आप उसको यूज़ करके उसको डिगिंग करें। और जब भी काम करना है तो आपको इंस्पेक्शन करने की आवश्यकता होती है, यानी कि बिफोर द स्टार्ट ऑफ एवरी वर्क शिफ्ट, जब भी शिफ्ट स्टार्ट हो आप उस एग्जर्वेशन को इंस्पेक्शन करें। और आफ्टर द एक्सीडेंट और कोई फॉल मटेरियल कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद करें, या उसमें कुछ अल्टरेशन कुछ चेंज आता है उसके जिससे कि उसका स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी इफेक्टेड होता है तो आपको ज़रूरत है कि उसको इंस्पेक्शन करें। और जो उसका इंस्पेक्शन रिकॉर्ड रहेगा वो वर्क प्लेस पे ही रखना चाहिए। तो ये कुछ कंट्रोल मेजर्स हैं जिसको लेने से जो हजार्ड्स है जो भी मैंने हजार्ड्स बताया एग्जर्वेशन के हजार्ड्स कोलैप्स वगैरह तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कृपया लाइक कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।